Today's show will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Olasese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Russian, Spanish, and Thai. खुशहाल दर्शकों, मैं श्रद्धा हूँ मुंबई भारत से। भारत एक महान देश है जहाँ पवित्र गंगा नदी बहती है और भव्य है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हमारे आध्यात्मिक प्रधान देश के समस्त नागरिकों की ओर से शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों के लिए भेजते हैं प्रेम, विवेक और दुआएं। आज का कार्यक्रम हम ले जाते हैं आदरणीय आध्यात्मिक गुरु बाबा सावन सिंह जी के तत्व, ज्ञान एवं उद्देश्य जीवन की जानकारी की यात्रा पर। ओ ब्रदर, टर्न थाउ होमवर्ड नाउ, व्हाई ड्वेलेस्ट थाउ इन ए फॉरेन लैंड? अटेंड थाउ टू थाइन ओन रियल टास्क, बी नॉट इन्वॉल्वड इन अदर्स वर्क, एंड होल्ड थाउ जस्ट टू गुरुज नाम, His wealth alone shalt thou retain. Excerpt from Master Sawan Singh's poem, O brother, turn thou homeward now. Baba Sawan Singh ka janm 27 July 1858 ko ek sabhya parivar mein hua tha, Punjab Rajya ke Ludhiana jile mein. Unke pita अक्सर गुरुओं तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से मिलने जाते थे और युवा सिंह को उनसे मिलाने ले जाते थे। जो सहायक हुए उनमें सार्थक गुणों के, जैसे कि क्षमाशीलता, विनम्रता, श्रद्धा एवं संभावना के विकसित होने में। एक बच्चे के रूप में उन्होंने एक उच्च सोच एवं पूर्णता सभी विषयों पर प्रदर्शित भी की थी। उनके गहन ज्ञान कई भाषाओं के, जैसे कि पंजाबी, हिंदी, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी में उनकी मदद हुई। हिंदू, इस्लामिक, सिख और ईसाई ग्रंथों के अध्ययन करने में। इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नवसेरा में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में सावन सिंह ने एक पद स्वीकार किया। इस समय के आसपास सावन सिंह धार्मिक पुरुषों से मिलने जाया करते थे। उनमें थे बाबा कहान, एक प्रबुद्ध फकीर पेशावर से। सावन सिंह ने इस संत को दीक्षा देने के लिए कहा और बाबा कहान ने उत्तर दिया, आप निश्चय ही आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करेंगे एक पूर्ण संत के द्वारा, किंतु मेरे द्वारा नहीं। जब सावन सिंह ने पूछा, मैं उस व्यक्ति से कहां मिल सकता हूँ, जवाब था, आपके सभी प्रयास व्यर्थ होंगे, लेकिन समय आने पर वह श्रेष्ठ व्यक्ति खुद ही आपको ढूंढ निकालेंगे। कई सालों के बाद 1894 में जिस समय मरी में नियुक्त थे, सावन सिंह जी की वर्ष की आध्यात्मिक खोज प्रतिफलित हुई, जब महान गुरु बाबा जैमल सिंह अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। गुरु बाबा जैमल सिंह ने स्थापना की थी राधा स्वामी सत्संग व्यास की। राधा स्वामी का अर्थ है आत्मा का स्वामी, तथा सत्संग का अनुवाद किया जा सकता है लोगों की एक सभा, सत्य की खोज करने वालों की। ये गुरु स्वयं एक शिष्य थे स्वामी शिव दयाल सिंह जी के, एक महान संत जिन्होंने संत मत की शिक्षाओं को पुनर्जीवित किया था। शामिल थे उसमें आध्यात्मिक ध्यान और अभ्यास का आंतरिक प्रकाश और ध्वनि पर। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय शिष्य तैयार हो, गुरु प्रकट हो जाएंगे, लेकिन उस समय सावन सिंह काम करने में व्यस्त थे और उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ कि बाबा जैमल सिंह कौन थे। इस बीच महान गुरु ने अपने शिष्य को इशारा किया, सावन सिंह और कहा, मैं यहाँ आया हूँ इस सरदार के लिए। वह शिष्य हैरान हुआ, अपने गुरु से कहा, इस सज्जन को तो नहीं है सभ्यता आपका अभिवादन करने की। गुरु ने जवाब दिया, उसे दोष मत दो,
वह अज्ञानी है और नहीं जानता है, वह हमारे पास अवश्य आएगा आज से चौथे दिन, बिल्कुल जैसे भविष्यवाणी की गई थी। चार दिनों के बाद सावन सिंह ने सुना कि गुरुजी एक सत्संग करने जा रहे हैं। तब वे बाबा जयमल सिंह को मिलने एवं आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के लिए गए और वह आगे बढ़े उनसे दीक्षा लेने के लिए। गुरुजी के निष्ठावान तथा समर्पित शिष्य बनने के लिए सावन सिंह के लिए उनके गुरु का आना उनके जीवन में बदलाव की चरम सीमा थी और उसी पल से उनकी आध्यात्मिक जागृति ने भौतिक तेजी पकड़ ली। 1903 में जब उनके गुरु ने अपना भौतिक शरीर त्यागा, तब उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी विरासत एवं आध्यात्मिक कार्य सावन जी को सौंप दी, जो इसके बाद से जाने जाएंगे महाराज जी या हजूर महाराज साहिब के नाम से। 1903 से 1911 तक महाराज जी सावन सिंह ने अपना अधिकांश समय उपासना करने में गुजारा। अंत में उन्होंने सरकारी पद त्याग दिया और अपनी पेंशन पर गुजारा किया। जीवन का शेष भाग सत्य की खोज करने वालों के लिए समर्पित कर दिया। ब्यास नदी के किनारे वह स्थान जहां उनके गुरु ने एक आश्रम की नींव रखी थी, सावन सिंह जी ने उनके सम्मान में बनवाया डेरा बाबा जयमल सिंह। यह उन्होंने एक विशाल शानदार हॉल एवं सत्संग हॉल भी बनवाया। अपने गुरु की तरह गुरु सावन सिंह जी ने जाति रंग या पंथ के भेदभाव को मिटाया, बल्कि महत्वपूर्ण क्या है और क्या चीज हम सब के साथ में लाती है, वह है ईश्वर हम में से हर एक के अंदर। उन्होंने कहा, सच्चे संत किसी भी धार्मिक संप्रदाय या भेदभाव से बंधी नहीं होती, वे होते हैं स्वतंत्र व्यक्तित्व की, वे ना तो किसी के पक्ष में होते हैं ना ही किसी के दुश्मन, वे तो सत्य का पाठ पढ़ाते हैं कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए, वे लोग तो उनके साथ अभ्यास में अपने आप को लगाएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे और अन्य जो स्वयं को अलग रखते हैं उनसे बहुत दूर और अभागे रहते हैं। समर्पित करने की महत्व की व्याख्या करते हुए गुरु सावन सिंह के वफादार शिष्य और अंत में उत्तराधिकारी कृपाल सिंह ने अपने गुरु के इन शब्दों को लिखा, यह महत्वपूर्ण है कि हर बुद्धिमान व्यक्ति के लिए किसी धर्म रंग या पंथ का होना फर्क नहीं पड़ता, अपने लिए स्वीकार करे वर्तमान जीवंत गुरु का उस समय के जैसे समकालीन राजा या समकालीन चिकित्सक की तरह। यदि वह अमरता का अमृत पीना चाहता है और चिरस्थायी जीवन प्राप्त करना चाहता है, मेहरबान दर्शकों, हम जा रहे हैं एक विराम लेने, बगीचे में सब्जियों को पानी देने के लिए। कृपया बने रहे सुप्रीम मास्टर टेलीविजन के साथ। Impure are all the worldly dyes, heed my advice, let them be washed. All worldly pleasures are short-lived, renounce them. Then, as time goes by, steadfast in surrender to Sadguru be, tirelessly in this task engage. Excerpt from Master Sawan Singh's poem, O Brother, Turn Thou Homeward Now. दोबारा स्वागत है। हम अपना कार्यक्रम जारी करने जा रहे हैं अधिक उनकी उक्तियों के साथ। महान गुरु बाबा सावन सिंह जी द्वारा, जिन्हें हजूर महाराज साहिब भी कहा जाता है, विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथों के अपने गहन ज्ञान से गुरु सावन सिंह जी ने सिखाया है कि ईश्वर हर एक के हृदय में है। आध्यात्मिकता समस्त दुनिया और मानवता की सांझी विरासत है
और निधि नहीं है किसी विशेष देश या राष्ट्रीयता की। यदि ईश्वर हर एक के हृदय में है तब कोई भेदभाव कैसे हो सकता है। उनकी एकता का संदेश पहुंचा उनके साथ समस्त भारत में और शीघ्र ही हर धर्म और राष्ट्रीयता के हजारों लोग उनके स्वभाव में आए और दीक्षा ली। उन्होंने आगे बताया, सभी धर्मों का सार एक समान है, परमेश्वर एक है, सारी मानवता उसकी संतान है। अतः इस तरह भाई भाई का रिश्ता है, संपूर्ण रचना उसकी एक सच्चाई की अभिव्यक्ति है। एक आत्मा जो अपनी शक्ति और प्रभाव हर जगह फैलाती है, एक प्रकाश जो अपने प्रकाश हर जगह फैलाता है पूरे ब्रह्मांड में, एक सूर्य जो प्रत्येक परमाणु पर चमकता है। 1947 के कठिन समय में गुरु सावन सिंह जी ने शरणार्थियों की रक्षा की तथा अपने प्रेम का संदेश दिया, तसल्ली और शांति पहुंचाई। दुखी दिलों एवं भ्रमित दिमागों को, लोगों की राष्ट्रीयता या जातीयता को एक तरफ रख दिया गया दया और प्रेम को अग्रसर करने के लिए। लेकिन सबसे ऊपर उन्होंने दिखाया भीतर में ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने का प्रभाव। इसके अलावा अत्यधिक लाभ, आनंद और संतोष जो आध्यात्मिक अभ्यास से आता है, सच्चाई, भाईचारा और समानता के जल द्वारा। और उन्होंने इस भौतिक दुनिया में फंसे हुए लोगों के दिलों की हर पूर्व धारणाओं को धो डाला। Withdraw the mind and soul within, upward attend, catch word divine. Ensnared in this vast net art thou, there is no release except this way. Compassionately the master says, these words obey, cherish always. Why waste thy life in straying out? It will lead thee not to thy true home. And dwell thou now betwixt thine eyes, focus attention therein thou. Excerpt from Master Sawan Singh's poem, O Brother, Turn Thou Homeward Now. गुरु सावन सिंह जी के लिए ईमानदारी से जीवन बिताना एक पवित्र कर्तव्य था और उन्होंने अपने जीवन को मिसाल बनाई। एकमात्र अपनी नौकरी पर गुजारा करना, कभी स्वीकार नहीं करना धन या उपहार अपने करीबियों, दोस्तों और योगदानकर्ताओं से भी। इसके अलावा गुरु जी ने अपने सभी प्रयास समर्पित कर दिया अन्य प्राणियों की सहायता करने में। सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाना और ईश्वर में तसल्ली पाना, उसके शिष्य के रूप में कृपाल सिंह ने बतलाया। अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने लोगों की दृष्टिकोण को सुधारने एवं उन्नत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी 90 वर्ष की आयु के बावजूद उन्होंने अपनी सभी शारीरिक सुविधाओं की परवाह नहीं की और कठोरता से दिन के 24 में से 18 घंटे मानवता की सेवा में समर्पित किया। सभी पृष्ठभूमि के लोगों को आध्यात्मिक प्रवचन समझाने की मदद करने के लिए गुरु जी ने प्रत्येक धर्म की महान पवित्र ग्रंथों को लिया तथा प्रदर्शित किया कि सभी के नैतिक एवं सदाचार सिद्धांत एक समान है और कैसे सभी प्राणियों की आकांक्षा केवल एक ही है, भगवान के साथ जुड़ जाना। गुरु सावन सिंह ने लिखा, इसमें कोई शक नहीं है, हम कमजोर हैं और हम में ना तो विश्वास है और ना ही प्यार, लेकिन साथ में है एक आशा भी हमें बनाए रखने के लिए कि वे हम पर दया रखे और हमारे पापों को क्षमा कर सकता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। परम गुरु सिंघाई ने भी
कई मौकों पर हजूर महाराज सावन सिंह जी के बारे में बात की है। 1993 के एक भाषण में टेक्सास अमेरिका में उन्होंने एक कहानी सुनाई थी गुरु सावन सिंह जी के अपार बलिदान की। परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ने के लिए इस दुनिया के लोगों की मदद करने के लिए। There is a master in India, in the Sanmat, you know, that you read this morning, Sanmat tradition. His name is Baba Sawan Singh. I read the story of his. And when one day he was very miserable, he sat there almost tears falling down. And so the disciple asked him, why you are so miserable today, master? You never so miserable like that before. And after some time they forced him, so he said, well, it's very difficult to go back into the body and stay there again. And that's what makes him miserable. दो अप्रैल 1948 को महाराज जी ने अपना प्यारा आश्रम डेरा बाबा जैमल सिंह में अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। उन्होंने शरण दी थी 150,000 से अधिक चेलों को। जीवन के सभी क्षेत्रों से उनका मार्गदर्शन करना वापस प्रकाश के रास्ते पर उनकी विरासत जारी है और इसके साथ ही उनकी कांति व शिक्षाएं। उनकी पुस्तक द डाउन ऑफ लाइट में हजूर महाराज सावन सिंह ने लिखा है, गुरु के लिए आपके अंदर जितना गहरा प्यार होता है उतना ही मध्यम हो जाता है सांसारिक प्रेम। उनसे प्रेम सांसारिक चीजों के प्रति प्यार को मिटा देगा, फिर मन और आत्मा देह को पार कर देगा और आपके सामने पर्दा उठ जाएगा एक एक करके। ब्रह्मांड के अंधकारमय रहस्य आप पर प्रकट हो जाएंगे और आप स्वयं को पाएंगे अपने पवित्र पिता की प्रेमपूर्ण गोद में। वास्तव में आप उनके साथ एक मई हो जाएंगे। हम हमेशा के लिए कृतज्ञ है हजूर महाराज सावन सिंह जी के बिना शर्त प्यार और अनुग्रह के, जो लगातार प्रदान करता है दुनिया भर में आध्यात्मिक साधकों के लिए दिशा और प्रेरणा। ये प्रसन्नता की बात थी आज आपका साथ पाना। ईश्वर करे दिव्य आत्मा सदैव आपके पथ प्रदर्शन करती रहे। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग योर कंपनी टूडे। मे द स्पिरिट ऑफ द डिवाइन गाइड यू ऑलवेज।